यहीं पर मेन टेम्पल है और ये पूरी मोनेस्ट्री है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि इंस्टीट्यूट कैसा है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं ये सब खाने लायक मतलब जो चीज़ें होती हैं उनसे बनी हुई हैं। शायद आपको गलतफहमी हो रहा हो कि हम खुश हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हम लोग अपना एक ट्रैक पर हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक मोनेस्ट्री के लिए जा रहे हैं। यहाँ मेरे कुछ नए दोस्त बन चुके हैं, तो हम सब लोग साथ में ट्रैक करते हुए अभी शेराबलिंग मोनेस्ट्री के लिए जा रहे हैं, जो लगभग 7 किलोमीटर है डियर पार्क से। लेकिन काफ़ी लोगों ने बताया कि पूरे रास्ते अगर हम चलते हैं तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको हम इन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, हमें शायद पैदल जाना चाहिए। तो हमने स्टार्ट अपना ट्रैक हम कर चुके हैं। अभी हम जो पैराग्लाइडिंग साइट आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा उससे हम कुछ दूर आगे आ चुके हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको हमारे बाकी फ्रेंड्स से। हेलो। हेलो। सो शी इज कल्याणी। हाय। एंड शी इज एन आर्किटेक्ट, राइट? यस, आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, वी टुक द राइट डिसीजन? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके, एंड शी इज कैरी। हेलो। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? कनाडा। ओके, सो व्हाट डू यू से your experience, you want to share anything? India has been amazing, beautiful country. Hi. Hi. आप कहाँ से हैं? मैं I'm from Alwar, Rajasthan. Okay. तो कैसा लग रहा है? Feels good. It feels really good to be beside these long trees and all. Yeah. बाकी व्यूज तो जैसा सुना था वाकई अच्छे हैं अभी तक। हाँ, व्यूज तो काफ़ी सही है। बट साथ ही एक चीज़ और है कि आप लोग अगर चाहें तो बाय कार, स्कूटी वगैरह से भी आप जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं शेराबलिंग मोनेस्ट्री तक डायरेक्ट। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल जाएंगे और ये अराउंड 7 किलोमीटर है। हमने सुबह 9:45 पर स्टार्ट किया था, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ अभी जिस पर चलते हुए हम आगे आए हैं। देखो, ये आप दिख रहे हो कैमरा में, देखो। बाय 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 बाय। Hello, this is Carrie. I'm taking over the interview. So Akash, tell me about yourself. Okay, so as you all know, I'm a travel YouTuber and right now we are heading towards the Shirabling Monastery. So why did you choose to come to Bir? I came to Bir to attend the retreat, 13th Indian Buddhist retreat. And the retreat is over now, so we are just exploring the places. What did you think of the course? Yeah, the course is really good. I'm really feeling very good because I make so many friends here, like you. Yeah. तो भाई हम लोग ट्रैक की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आप सामने देख सकते हो एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये बोर्ड आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है जैसे इस साइड के लिए रिट्रीट सेंटर, मंडाला टेम्पल रिट्रीट सेंटर वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। लेकिन सबसे नीचे है पालपुंग मेन मोनेस्ट्री। तो भाई जो शेराबलिंग मोनेस्ट्री है उसे पालपुंग मेन मोनेस्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। बाकी राइट हैंड साइड पर भी इसी मोनेस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनके इंस्टीट्यूट हैं, रिट्रीट सेंटर हैं, स्तूपा टेम्पल है, हर्ब गार्डन है। तो चलते हैं। लेकिन अगर रास्ते की ओवरऑल बात करता हूँ तो पैदल आने के हिसाब से अच्छा है, कोई ऐसा थकाने वाला नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ रहा है। इवन अभी काफ़ी दूर तो हम उतरते हुए हैं, मे भी जाते टाइम थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वैसे कोई ख़ास थकाने वाला रास्ता नहीं है, अच्छा है, आराम से चलते जा सकते हैं, काफ़ी शांत भी है। तो हम लोग लगभग शेराबलिंग मोनेस्ट्री पहुंच गए, और जैसा पीछे भी आपने देखा तो विजिटर्स रजिस्टर एंट्री है, उसके अंदर हमको
मतलब बस नाम लिखना था, तो हम चार लोग हैं वैसे, सिर्फ कल्याणी ने रजिस्टर किया है, तो ऐसा कुछ देख सकते हो, पानी की टंकी इसके पास ही है, तो बस नथिंग, बस वहाँ पर जस्ट कोम बेसिक डिटेल्स देनी है, अपना कोई आईडी का नंबर बताना है, आधार कार्ड आईडी का नंबर डाल सकते हैं आधार कार्ड का, और बस हो गया रजिस्ट्रेशन। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई हम लोग हैं मोनेस्ट्री के पास, और ये आप लोग देख सकते हो उसका पूरा एक कंप्लीट यहाँ पर मैप है, जिसके बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। लाइक जैसे 11th नंबर पर आप देख सकते हो 8 स्तूपा है, तो वो यहाँ पर है, और मैप के बाद ही बस अंदर एंट्री करके, वैसे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, आप लोग यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं मोनेस्ट्री के बारे में। लेकिन अगर मोनेस्ट्री की बात करूँ तो उसके जस्ट साइड में ही यहाँ पर पूरा मोनेस्ट्री का कैंपस है, और वैसे हमने उनसे पता किया था तो उन्होंने बताया ये जो आप इधर देख सकते हैं यहीं पर मेन टेम्पल है, और ये पूरी मोनेस्ट्री है, और शायद आगे काफ़ी सारे रूम्स वगैरह में भी मॉन्क्स के रुकने के लिए कुछ। तो देखते हैं, मैं मोनेस्ट्री के अंदर चलता हूँ, एक बार सामने से आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी हम लोग हैं शेराबलिंग मोनेस्ट्री में, और हमारे साथ थेकचोक जी हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल करते हैं और जानना चाहेंगे यहाँ इस मोनेस्ट्री के बारे में। तो पहली बात तो कैसे हैं आप? एकदम ठीक। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, मतलब क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो मोनेस्ट्री है शेराबलिंग मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री कब बनाई गई और किन के द्वारा इस मोनेस्ट्री को बनवाया गया? तो ये जो मोनेस्ट्री जब पहली बार जब बनी थी यहाँ पर, वो बनी थी जिसको कहते हैं पालपुंग शेरबलिंग, जिसको कहते हैं वो पालपुंग शेरबलिंग बनी थी 1976 को, बनाया गया था हमारे गुरु केंतिंग ताई सिद्धु रिम्पोछे कहते हैं, 12 सिद्धुपा भी कह सकते हैं उनको, वो एक तिब्बती गुरु हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई थी 1976 को, सबसे पहली जो बनाई थी। लेकिन जिस मोनेस्ट्री पर अभी हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो बनी थी 1990 को, तो सबसे पहले जो 1976 को जो बनाई थी वो अभी नहीं है, उसको तोड़कर वहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ बन रही है, उसके बाद 1990 को बनी हुई ये मोनेस्ट्री जहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, ये वाली जो है उसके बाद सबसे पुरानी ये है। तो यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह करना सब कुछ चलते रहता है जो इस तरह से बनी थी। तो भाई अभी हम लोग हैं ये स्तूपास के पास, यहाँ पर ऐसे काफ़ी बड़े बड़े ये 8 स्तूपा बने हुए हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि बड़े स्तूपास के साथ यहाँ पर साइड में छोटे छोटे बहुत सारे स्तूपा हैं, और साइड में काफ़ी बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो भैया अभी जब हम लोग वहाँ पर थे जहाँ पर 8 स्तूपा हमने काफ़ी सारे देखे, वो काफ़ी कलरफुल अच्छे थे, लेकिन जैसे मैंने बताया मोनेस्ट्री जो है, ये जो पूरा शेराबलिंग मोनेस्ट्री कैंपस है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब खो जाओ इसके अंदर इतनी दिक्कत है, क्योंकि एक तो जगह जगह काफ़ी साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं है, उसकी शायद थोड़ी यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन बड़ी भी बहुत है। तो यहाँ पर अभी हम आए थे एक, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर बुद्धिस्ट स्टडीज़, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि इंस्टीट्यूट कैसा है। एक तो इधर आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, इधर ऑफिसेज हैं, रूम्स हैं, इधर क्लासेस वगैरह हैं इधर, और उसके अलावा एक ये सामने वाला जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, एक ये वाली बिल्डिंग है, और यहाँ इसी बिल्डिंग के अंदर, अभी हम अंदर चलकर देखते हैं अंदर में क्या देखने के मिलेगा, पर जहाँ तक अंदर, शायद अंदर भी शायद भगवान बुद्ध का स्टैचू मोनेस्ट्रीज वगैरह है, लेकिन आप इसको देख सकते हो, मतलब जितना सफाई से कह सकते हैं और बनी हुई हैं, और जितनी साफ़ हैं, जितना अच्छा इनके ऊपर पेंट है, इतना कलरफुल है, इतनी अच्छी विंडोज़ हैं, मतलब सब कुछ बस बिल्कुल देखते ही, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर वो देखते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद एक कली बनाकर इन्होंने यहाँ पर कली कल में स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया, मतलब सब कुछ इतना साफ, इतना परफेक्ट है, इतना अच्छा है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता शायद मैंने इस तरह की इतनी, मैं कहूँगा मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतने अच्छे से पेंटेड कलरफुल
शायद मैंने और कहीं देखी हैं बाकी। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो इतना मॉडर्न एक तरह की मोनेस्ट्री और इंस्टीट्यूट भी शायद मैंने पहली बार ही देखा है। और अभी मैं आपको भाई फ्रंट दिखाता हूँ, मतलब फ्रंट में तो मुझे लगता है कुछ ज़रूरत से ही ज़्यादा मेहनत है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बारीकी का काम किया गया है। मतलब एक तो फ्रंट इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं और इतना ऊंचा है देखने, मतलब एक बहुत भव्य सी बिल्डिंग है ये। और साथ ही साथ इसमें जितना आप ये देख सकते हैं, जितनी नक्काशी इसके अंदर की गई, जितना कलरफुल ये है, तो मुझे लगता है जैसे आप ऊपर वाली लाइन ही देखो वो वाली, तो उसी को अगर हम देखेंगे और उसमें जितने कलर्स हैं, जितने डिज़ाइंस हैं, मुझे तो लगता है मतलब उसी को बनाने में पता नहीं कितना टाइम लगा होगा। तो खैर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी है देखने में। लेकिन अभी चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ ऊपर इधर शू रैक है तो जूते यहाँ पर निकाल लें और जूते निकालने के बाद ही अंदर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मंदिर में शांति बनाए रखें, तो मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा। लेकिन वहीं साथ ही साथ मैं आपको ये कुछ नक्काशियाँ भाई जो मैंने बताया ये दिखाता हूँ। जैसे पिलर है, पिलर पर भी इतना खूबसूरत तरीके से भाई काम किया हुआ है, गोल्डन और रेड कलर से पेंटेड है ऊपर है, इवन छत में भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी हुआ। अब मैं गेट दिखाता हूँ कि गेट के साइड के जो भाई मोल्डिंग्स बना रखेंगे वो कितनी बढ़िया, मतलब कितनी कलरफुल है। जैसा कल भी मैंने आपको दिखाया था चॉकलिंग मोनेस्ट्री में, तो ये आप देख सकते हो उसमें जितने ये डिब्बे हैं ये सब में डार्क से लाइट इधर कलर होता जा रहा है, कि नीचे की तरफ भी डार्क है इधर लाइट है, और ऊपर जैसे ब्लू है कहीं ग्रीन है कहीं रेड है पिंक है, और उनमें भी एक कलर में भी कई कई शेड्स हैं। तो उसी हिसाब से मैंने बताया जैसे ऊपर का पूरा पिलर है, ये पीछे का ये पूरा मोल्डिंग हो गया, गेट के डिज़ाइन हो गया, तो पता नहीं मतलब कितने टाइम लगा होगा इसको बनाने में। वहीं आप इसके अंदर भी देख सकते हो जो पिलर के अंदर की साइड है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से पेंटिंग्स बनाई हैं, कलरफुल है, मतलब मज़ेदार जगह है। बाकी भाई पत्थर भी आपको दिखाऊँ, देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक रहा है कि पिलर की परछाई तक दिख रही है उसमें। तो चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हो मतलब जो मोनेस्ट्री है वो जितने पिलर्स हो गए या फिर ऊपर हो गया या फिर इधर काफ़ी सारे जो कुछ चीज़ें यहाँ पर कपड़े का बना हुआ उस पर पेंटिंग्स हैं वो लटकाया हुआ है यहाँ पर, तो हर चीज़ ही काफ़ी कलरफुल है। और नीचे साथ में काफ़ी सारे मॉन्क्स के बैठने की जगह है, जैसा देख सकते हो काफ़ी बड़ा हॉल है, ऊपर काफ़ी सारे शीशे में विंडोज़ में वहाँ पर भगवान बुद्ध के स्टैचू हैं। और अगर वहीं इधर मेन तरफ आते हैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक सामने की तरफ बीच में एक बहुत बड़ा भगवान बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है। और भगवान बुद्ध के स्टैचू के इस साइड जो आप देख सकते हैं यह है मंजूश्री का स्टैचू, और वहीं दूसरे साइड जो आप देख सकते हैं यह है गुरु पद्मसंभव का स्टैचू। बाकी मैं साथ साथ एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हो तो भाई ये ऑफरिंग्स के लिए है, मतलब भगवान बुद्ध को जो लोग ऑफर करते हैं तो उसमें यहाँ पर ये काफ़ी सारे पात्र हैं और ये सात हैं, जैसा हमने पहले भी देखे थे सात थे, यहाँ भी सात हैं। मतलब पिछला वाला जो मोनेस्ट्री अभी हम गए थे पिछला हॉल में शराबलिंग मोनेस्ट्री के मेन हॉल में, वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी अंदर, लेकिन वहाँ पर अंदर मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू था, यानी फ्यूचर बुद्ध जो आने वाले बुद्ध हैं भविष्य के। और यहाँ पर वर्तमान के जो भी बुद्ध हैं सिद्धार्थ गौतम एवं भगवान बुद्ध, ये उनका स्टैचू है। तो वहाँ पर भी मैं इस तरह की चीज़ें थी जो ये आप पीछे देख सकते हो। तो ये जितने भी हैं इसको बताते हैं कि ये बटर स्क्रिप्चर्स हैं, बटर से बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये प्रॉपर बटर के बने हुए नहीं होते, इसके अंदर डालडा घी हो गया बटर हो गया उसे मिक्स करके ये बनाते हैं, उससे ये इतना कलरफुल इस तरह डेकोरेट इसको करते हैं। और वही पीछे जो बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक चीज़ है जो बिल्कुल देखने में पत्थर जैसा लग रहा है, वो भी मैदा और डालडा घी उसको मिलाकर बनाया गया, मतलब वो पत्थर का नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं ये सब खाने लायक मतलब जो चीज़ें होती हैं उनसे बनी हुई हैं। तो मतलब इसमें कुछ ऐसा है कि भगवान को जो चीज़ें हम ऑफर करते हैं देते हैं वो वाली होती हैं जो मतलब एक तरह से एडिबल हैं जिनको खा सकते हैं, तो उन चीज़ों से इसको बनाया गया। बाकी यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे तिबेतन जो बुक्स होती हैं और इस तरह की
मतलब कपड़े में लिपट कर उसमें रखी होती हैं, अंदर सीधा नीचे एक एक पेज होता है। फिर वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स हैं, इंटरेस्टिंग है देखने में। दूसरा क्वेश्चन आपसे, जैसे हम देख सकते हैं मनुष्य में पूरी तरफ ऊपर वॉल्स हैं या पिलर्स हैं, तो काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, काफी कलरफुल है सब कुछ। तो मतलब मैंने और भी जितनी मनुष्य हमने देखी हैं वो सभी इसी तरह काफी कलरफुल होती हैं, उनमें काफी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं। तो मतलब ऐसा क्यों होता है कि सभी मनुष्य इसको इतना कलरफुल क्यों बनाया जाता है इतनी पेंटिंग्स के साथ? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसे हम कहते हैं भगवान के घर मानते हैं, जो कि हमारे श्राइन हॉल, जो मोनास्ट्री की श्राइन, मोनास्ट्री खुद इतना खूबसूरत नहीं होता, वो बस एक रहने के लिए यानी कि एक सुविधा के लिए बस मंक्स के लिए होता है मोनास्ट्री। लेकिन मोनास्ट्री के अंदर जो सेंटर में जो श्राइन हॉल जो होता है वो एक तरह का पूजा पाठ करने के लिए भगवान का घर मानते हैं उसको। तो भगवान के घर जो है जितना हो सके अट्रैक्टिव खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि सदियों से चलते आ रहे, जो तिब्बत में हुआ करता था तब से ही इस तरह से चलते आ रही। इसलिए आप जब भी देखेंगे तो श्राइन हॉल जो है खूबसूरत चमकता हुआ गोल्डन कलर, फिर कलरफुल इस तरह के और पेंटिंग्स से भरे हुए, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं उसके लिए। तो मतलब जैसे काफ़ी पेंटिंग्स होती हैं, तो ये पेंटिंग्स कुछ मतलब स्टोरी बताती है, कुछ मैसेज देने के लिए भी होती हैं या फिर बस सिर्फ पेंटिंग्स? हाँ है, तो पेंटिंग से कुछ मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे रिमेम्बरेंस के लिए है कि हम याद करें कि हमारे पास्ट गुरुस कौन थे। तो आप हमारी मोनास्ट्री में आएंगे तो हमारे लिनेज के जितने भी गुरुस हैं उनकी फ़ोटोज़ आपको नज़र आएंगे, जो ऊपर की तरफ जिसको थंगा पेंटिंग कह सकते हैं, जिसमें गुरु की तस्वीरें नज़र आएंगे, वो हमारे पास्ट गुरुस होते हैं, जो हमारे लिनेज में जितने भी गुरुस थे उनकी पेंटिंग्स हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं। और उसके अलावा हमारे डीटी वगैरह जितने भी होते हैं उन सब की पेंटिंग्स नज़र आते हैं। तो मतलब ये तिब्बतन स्टाइल में? हाँ, तिब्बतन स्टाइल में ही है, क्योंकि तिब्बत में भी इसी तरह से किया करते थे जब शुरुआत हुई थी, तो वहाँ से अभी तक जिस तरह से चल रहा है तो उस तरह से ही करते हैं, गुरु जी की तस्वीर रखना वगैरह करते हैं। तो जैसे हर कोई तो मॉन्क नहीं बनते, तो जैसे नॉर्मल लाइफ में लोगों का जनरली एक क्वेश्चन ये होता है कि हम अगर अपने नॉर्मल लाइफ में बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रैक्टिस करें या बस जनरल वे में चीजों को देखते हैं अगर, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर? अगर हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसमें हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं या और भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें खुश कैसे रहा जा सकता है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो जैसे कि हम मोनेस्ट्री में जो रहते हैं, शायद आपको गलतफहमी हो रहा हो कि हम खुश हैं, तो हम खुश हैं या आपको आपका वहम है, हम भी आपकी तरह ही जी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊं कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, तो आप गलत काम कभी मत कीजिए। अगर गलती हो जाती है, क्योंकि गलती हम कभी कभार करते नहीं हैं, हो जाते हैं, दूसरे नाराज़ हो जाते हैं, तब आप माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी ईगो को थोड़े से साइड करके उनको माफ़ी मांग सकते हैं,
और गलती कभी भी ना करें, हो सके तो सही काम करें और एक्टिव रहें रोज़, तो आप जब भी रहेंगे तो खुश रहेंगे एकदम, क्योंकि आपने अगर गलती की नहीं है तो आपको पछताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक तरीका है खुश रहने का, सही करते रहिए और सही होता रहेगा जी, तो इस तरह से खुश रहा जा सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करने के बाद, और आपने जो हमें इतना गाइड किया, अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। ओके, और बाकी अगर आप सभी लोग और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपका इंस्टाग्राम आईडी भी, इंस्टाग्राम, हाँ, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा और साथ ही साथ यहाँ पर टेक्स्ट में भी लगा दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप जो भी आपके कुछ सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, राइट? बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ, एवर रेडी। थैंक यू, ओके जी, वेलकम। तो जैसा भाई आप देख सकते हो, अभी हम लोग शराबलिंग मोनेस्ट्री से वापस डियर पार्क आ गए हैं। तो सामने भाई आप देख सकते हो डियर पार्क का मेन जो बुद्धा हॉल है, यहाँ पर हमने मेडिटेशन वगैरह किया। तो अभी आ गए हैं वहाँ से वापस, और अगर मैं जाने के बताऊँ तो जाने का, तो जैसा मैंने आपको बताया ही था कि हम पैदल गए थे चलते हुए, और पैदल जाने के हिसाब से रास्ता परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया, किसी तरह की उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेन है, ऐसा कुछ चढ़ाई नहीं, चढ़ने कुछ उतरना नहीं है। लेकिन शराबलिंग मोनेस्ट्री बहुत बड़ी है, उसको आप अच्छे से विजिट कर सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। अब अगर मैं रिटर्न का बताऊं तो रिटर्न में वहाँ से आप जा भी सकते हैं वैसे, तो कैब से, टैक्सी से भी आ सकते हैं। तो हमने वहाँ से जो रिटर्न अपना बैक किया था वो हमने वापसी की है टैक्सी से, और टैक्सी का जो चार्ज है वो है 300 रुपीज़, मतलब कोई 250 लेते हैं, कोई 300 लेते हैं, और ये पूरी टैक्सी के लिए है। अब उसमें चाहे आप एक आओ, चाहे दो, तीन, चार, कितने भी लोग बैठो, तो वो सिर्फ 300 रुपीज़ ही है। तो आई होप आप लोगों को जो आज का ये वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, और पूरा श्रावलिंग मोनेस्ट्री का पूरा जो टूर है, मॉन्क से हमने बात की और उन्होंने जो कुछ उसमें गाइड किया या जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, आई होप वो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।